नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दीक्षित लाइफस्टाइल के ऊपर जो अनुसंधान हुआ है, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी श्रृंखला में आज एक रिसर्च पेपर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। आपने पहले भी जो दो वीडियोस मैंने रिसर्च पेपर्स के ऊपर बनाए थे वो देखे होंगे, तो इस श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस रिसर्च पेपर से जो पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ साइंसेस, इस जर्नल के जुलाई सितंबर 2017 के इशू में ये पब्लिश हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि ये केस रिपोर्ट है। डॉक्टर श्याम लेंडवे नाम के एक लातूर के प्रोफेसर है जिनके ऊपर ये अभ्यास हुआ, और ये 2017 की बात है, यानी कि आज इस बात को 7 साल पूरे हो गए, और जो भी फायदे डॉक्टर श्याम को मिले वो अभी भी बरकरार है। आज भी वो डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेते। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये रिसर्च क्या था? ये केस रिपोर्ट है। केस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति में कोई हमने ट्रीटमेंट किया और उससे जो नतीजे हमको मिले उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो इस केस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो ये था कि इफेक्ट ऑफ ईटिंग फ्रीक्वेंसी ऑन डायबिटीज, एक केस रिपोर्ट फ्रॉम लातूर सिटी इंडिया। यानी हम कितनी बार खाते हैं इसका डायबिटीज के ऊपर क्या असर होता है, इसका ये केस रिपोर्ट है। एक पेशेंट का ये अहवाल है, रिपोर्ट है, जो कि लातूर सिटी में से पब्लिश हुआ है। अब इसमें जो था, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट को तुरंत मेडिसिन चालू हो जाता है, वैसे जब ये प्रोफेसर डॉक्टर श्याम लेंडवे मेरे पास आए, इनकी उम्र 45 साल उस समय थी, वो उनका जो व्यवसाय है, पेशा है, वो एक प्रोफेसर है। लातूर के नजदीक एक गांव है जहाँ के कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, और जब मेरे पास आए तो उनका HbA1c 10.1 इतना ज्यादा था। और आपको मालूम है कि 5.6 तक नॉर्मल होता है, 5.7 से 6.4 तक प्रीडायबिटिक कहलाता है, और 6.5 के ऊपर गया तो उसको डायबिटिस कहते हैं। और इनका खाली पेट जो शुगर था वो 213 था, और खाना खाने के बाद 283 था। और चूंकि उनका HbA1c 10.1 था तो इनका एवरेज ब्लड शुगर 243 यानी 243 मिलीग्राम परसेंट था। नेचुरली जब वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए तो उनको डॉक्टर ने दो मेडिसिन लेने के लिए कहा, एक था मेटफॉर्मिन, दूसरा था ग्लिबिप्राइड। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा, वो मेरे पास आए, हमारी बातें हो गई। मैंने उनको कहा कि साइंस आपके साथ है, अगर आप 100% कोशिश करोगे और लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो जरूर आपको इसके नतीजे मिलेंगे। तो जब 1 जनवरी 2017, इनका वजन था 86.5 किलोग्राम, इनका पेट का घेरा था 42 इंच, HbA1c जैसा मैंने कहा 10.1 था, इनका फास्टिंग इंसुलिन 11.22 था, फास्टिंग शुगर 213, खाना खाने के बाद 283। इन्होंने ये लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया। अब फरवरी में, यानी कि एक महीना बाद, 3 फरवरी को इन्होंने फिर से रिपोर्ट किया, तो इनका वजन 83.8 हो गया, लगभग 1.7 kg इनका वजन कम हो गया, पेट का घेरा था 1.5 इंच कम हो गया, 40.5 हो गया, और इनका HbA1c 10.1 से 8.5 पे आ गया, यानी 1.6 ग्राम परसेंट का रिडक्शन एक महीने के अंदर ही हो गया। फास्टिंग शुगर 137, खाना खाने के बाद 192, यानी दोनों फिगर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। हर महीने उन्होंने ये रिपोर्ट किया और उनको अच्छे नतीजे उसके मिले। हर महीने वजन कम हुआ, HbA1c कम हुआ, और जनवरी को इनको डायबिटीज हुआ, और 18 अगस्त 2017 यानी लगभग 7.5 महीने के बाद इनका वजन 86.5 किलोग्राम से कम होकर 72.2 किलोग्राम हो गया, यानी लगभग 14 किलो वेट लॉस हो गया। पेट का घेरा जो 42 इंच था वो 35.5 हो गया, यानी कि लगभग 6.5 इंच इनका पेट कम हो गया, और HbA1c जो 10.1 था वो कम होकर 5.3 हो गया, यानी कि वो नॉन डायबिटिक रेंज में आ गया, और इनका इंसुलिन कम होकर 2.99 हो गया।
और फास्टिंग ब्लड शुगर 87, खाना खाने के बाद 120, एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेसर श्याम 7.5 महीने में बगैर कोई मेडिसिन लेके, बगैर एक रुपया भी खर्च करके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से नॉन डायबिटिक स्टेज में आ गए। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 100% सिंसियरिटी से दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो की। ये केस रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इसके बाद में जब हमने वंस देयर वाज डायबिटीज नाम का किताब लिखा, 2020 की बात है, उस समय भी प्रोफेसर श्याम लैंडवे से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई, और इस बात की मुझे खुशी हुई कि 2017 में जो उनको अचीवमेंट मिला था वो 2020 में भी बरकरार था। वही बात 2023 में हुई, और हाल ही में जब मैं उनके साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आज भी उनका HbA1c 5.6 के नीचे है और इंसुलिन 10 के नीचे है। यानी लगभग अगर हम सोचेंगे कि अगस्त 2017 को वो नॉन डायबिटिक हो गए और अभी आज सितंबर 2024 चल रहा है, तो 7 साल हो गए, और 7 साल प्रोफेसर श्याम ने अपना नॉन डायबिटिक स्टेटस बरकरार रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है। इसको आप अगर कोई 7 साल कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। मैं लातूर से डॉक्टर श्याम लैंडवे, मैं डॉक्टर दीक्षित सर का प्लान 2017 से फॉलो करता हूँ। जब मैंने डाइट प्लान शुरू किया था तब मेरा वेट 96 केजी था, मेरा HbA1c 10.1 था, लेकिन मैंने सिर्फ दीक्षित सर जी के डाइट प्लान से मेरा वेट कम कर दिया, मेरा शुगर नॉर्मल कर दी। 2017 से आज तक मैं यही प्लान फॉलो करता हूँ। अब मेरा वेट नॉर्मल है, मेरी शुगर नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर। तो इस पेपर के बारे में आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप सिंसियरली इस लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो साइंस आपके साथ है, आपको खुद को अपने साथ होना पड़ेगा। मुझे यकीन है दोस्तों कि ये जो रिसर्च पेपर है आपको काफी मोटिवेटिंग लगा होगा, आपको इंस्पायर इसने किया होगा। और अगर कुछ लोग जो सोच रहे थे मैं करूं या ना करूं, तो इससे उनको भरोसा आ जाएगा कि उनको भी इसका जरूर फायदा होगा। दोस्तों ऐसे रिसर्च पेपर्स के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।